समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब बच्चे अपने नाम को रोशन करेंगे, और ये नाम तभी रोशन हो सकता है जब हम इनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, इनकी सुरक्षा, इनकी शिक्षा, इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हमारे देश की सरकार नहीं रही बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका भोजन और भेदभाव से अधिक समानता, ये सारे अधिकार दिए जो बिना किसी जाति, धर्म और बिना लिंग भेद के अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे अधिकार हमारे देश के संविधान में ही हैं, जो समय समय पर अमेंड होते रहते हैं। आज कोई माँ या बाप अपनी किसी मजबूरी में आकर अपने जन्मे हुए बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। पहले क्या होता था कि प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, आज से 300 साल पहले लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता था। लड़की के जन्म होने पर उसको या तो माँ के पेट में ही उसको मार दिया जाता था, या फिर उसके जन्म के उपरांत उसको मिट्टी में दफना दिया जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज कोई माँ बाप अपनी किसी मजबूरी में आकर अपने जन्मे हुए बच्चे को छोड़ नहीं सकता। ऐसे कई उदाहरण आपके जीवन में होंगे। आज समय बदल चुका है। आज बच्चों को अगर जीने का अधिकार सरकार ने निश्चित किया है, तो दूसरी तरफ एक अधिकार है संरक्षण का अधिकार, चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये अधिकार जो है हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। बिना अधिकारों के कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्की करनी है, अगर राष्ट्र को तरक्की पे ले जाना है, तो पहले बच्चों को वो अधिकार देने चाहिए। बच्चों को जब हम अधिकार देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो बच्चे ही आने वाली पीढ़ी जो है ये इस राष्ट्र को चलाती है, संभालती है। इसलिए बच्चों को घर के भीतर या बाहर होने वाले शोषण से हमें बचाना है, हिंसा से, बलात्कार, उत्पीड़न आदि से संरक्षण के अधिकार हमारे पास हैं, और हमने उन अधिकारों को जानना है, समझना है। आज महसूस कर पाए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, ये हम अपने जुबान से तो बोल रहे हैं, लेकिन महसूस उसी को हो सकता है जो ये उत्पीड़न सहन कर रहा है। हमने बच्चे को बचाना है बाल मजदूरी से, चाय की दुकानों से, ईंटों से, ईंटों के भट्टों से, खेतों से, बजरी पत्थर के ट्रकों से, ट्रैक्टरों से, ढाबों से, कारखानों से। बच्चे को बचाना है बाल यौन हिंसा से, बलात्कार से, गंदे अभद्र व्यवहार से, कभी अपनों से, कभी बेगानों से। उसे बचाना पड़ेगा उनसे, बाल तस्करी से, पैसा देकर, भलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले और अपनी रस्सियों का उपयोग करने वाले ऐसे जो सरमायादार लोग जो कुर्सियों पर बड़े बड़े आसन लगाकर बैठे हैं, उनसे हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। आज इनके लिए घोर दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कानून पूरे भारत में लागू किए गए हैं, और हमारे स्कूल में भी आपने बाहर देखा होगा, यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, एमरजेंसी नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं, नोडल ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन जम्मू डिवीजन 94192 10200, डीएससी हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे है 6006800068, और चाइल्ड लाइन नंबर भी वहाँ पे दिए हुए हैं 1098। इसलिए ये बातें बहुत सारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंडर श्रीमती जगदीप मैम ने भी जो है आपको बताई हैं, और भी समय समय पर बहुत सारे टीचर्स लेक्चरर्स आपको ये बातें आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन हमने इसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करना है, करके दिखाना है,
अपनी जिंदगी से खुद लड़के दिखाना है, इसलिए चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जरा सोचो धुएं और शोर के बीच अशकों में खोता बचपन, भूखे पेट तसल्ली, भूखे पेट तरसती आंखें, लाचारी अपंगता में खोता बचपन, क्यों रोती बिखरती जिंदगी ये, क्यों सड़कों पर सोता बचपन, चोरी नशा और जुल्म में पड़ ये सड़कों पर खोता बचपन, गुजर गया आंखों के आगे, क्यों उसका ये सारा बचपन, क्यों उसका ये सारा बचपन। धन्यवाद।